कहते सानी जी जो गलती सलती हुआ माफ कीजिए, आ जाइए हमारे साथ 2025 में मुख्यमंत्री बनाते हैं आपको, लेकिन हमारे पार्टी में आ जाइए भाजपा में। हम बोले भाई हम मलाह हैं, हम मलाह का बेटा है, जाल में मछली को फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है, जाल में फंसते नहीं है। बीजेपी ने सहनी को सीएम पद का ऑफर दिया है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का बड़ा दावा। निषाद संकल्प यात्रा के दौरान कैमूर पहुंचे मुकेश सहनी ने बड़ा खुलासा किया, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। बीजेपी ने मुकेश सहनी से गलती सलती माफ करने को कहते हुए कहा कि सहनी जी बीजेपी में आ जाइए, हम 2025 का मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे बिहार में। आ जाता है भाजपा वाला आते हैं, कहते हैं सहनी जी जो गलती सलती हुआ माफ कीजिए, आ जाइए हमारे साथ। हमने कहा भाई, कहते आइए 2025 में मुख्यमंत्री बनाते हैं आपको, लेकिन हमारे पार्टी में आ जाइए भाजपा में। हम बोले भाई हम मलाह हैं, हम मलाह का बेटा है, जाल में मछली को फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है, जाल में फंसते नहीं है। हम अपना छोटा झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे। तुम्हारे महल में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में गुलामी नहीं करना। तो बीजेपी ऑफर देती रही, लेकिन सहनी नहीं माने, क्योंकि सहनी सन ऑफ मलाह हैं, जाल में फंसाना जानते हैं, फंसना नहीं। ये तमाम दावे किए गए हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की ओर से। इसी के साथ मुकेश सहनी का गुस्सा भी बीजेपी के खिलाफ फूट पड़ा। सहनी ने साफ साफ कहा कि उनकी लड़ाई देश के प्रधानमंत्री मोदी से है, उनकी लड़ाई केंद्र की सरकार बीजेपी से है। सहनी जिनके साथ भी जाएंगे सात सीट जिताएंगे, और जिन्हें दुश्मन मानेंगे उन्हें सात सीट हराएंगे। अगर सहनी की मांग नहीं मानी गई तो बीच नदी में ले जाके नाव पलट देंगे। जब हमारे एक भाई को, हमारे एक लोगों को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, तो यूपी बिहार झारखंड में क्यों नहीं मिल रहा? तो हमारी मुख्य लड़ाई है केंद्र सरकार से कि भाई हमें निषाद समाज को एससी का दर्जा दिया जाए, ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज यूपी बिहार झारखंड में जाइए, एक निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सरकार की तरफ से विशेष सहायता मिले, विशेष योगदान मिले, हमें आरक्षण मिले, ताकि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, समाज के सामने बराबरी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और केंद्र सरकार को भी सोचना है। तो आने वाला समय में केंद्र सरकार को सोचना, और हमारे पास तो वही नाव है, भगवान राम जी को हम लोगों ने पूर्वज पार लगाए थे। अभी इस बार जो हमारे नाव पे बैठेंगे वो पार लगेंगे, और हम लोग पहले जैसा गलती नहीं करेंगे कि हम अभी आपको पार कर रहे हैं, बाद में आप हमको पार कीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। पहले नाव पे बैठने से पहले आप हमारा आरक्षण लागू करोगे तब बैठने देंगे, वरना नहीं देंगे बैठने के। और जबरदस्ती की अगर कोशिश करोगे तो बीच नदी में लेकर जाके नाव को पलटी मार देंगे, ताकि वहाँ तुम डूबोगे, और हम लोग को केवट के संतान है, गंगा माता के संतान है, हम लोग तैर के बाहर निकल जाएंगे। तो इस बार स्पष्ट है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। आप इंडिया को कह रहे हैं कि एनडीए को कह रहे हैं? एनडीए को कह रहे हैं। देखिए हमारी लड़ाई तो देश के प्रधानमंत्री से है, देश में जिनकी सरकार है वही हमारी मांग को पूरा करेगा। अभी तो मोदी जी को ही पूरा करना है, और ये राज्य का भी मामला नहीं है, ये केंद्र सरकार का मामला है। राज्य से तो नीतीश कुमार जी 2015 में ही अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेज दिया कि भाई निषाद समाज को एससी एसटी का आरक्षण दीजिए। अभी ये मामला जो है भारत सरकार में है। अब भारत सरकार कई बार हमें कह चुके हैं कि हम समय आने दीजिए, हम करते हैं, अभी तक वादा चलते रहा, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई है। इस बार हम लोग धनुष में से तीर निकाल दिए। अभी मोदी जी को सोचना है कि अपने सीने पे लेना है कि बचना है, ये अभी मोदी जी को सोचना है। आरक्षण दे देंगे तो बच जाएंगे, आरक्षण नहीं देंगे तो उनको इस बार निषाद का वोट से दूर रहेंगे। आरक्षण मिल जाएगा तो कितने सीटों बिहार में चुनाव लड़ेंगे? अरे भाई आरक्षण मोदी जी दे दे, वो हमसे प्राण मांगेगा तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। तो हमें चुनाव नहीं, देखिए हम हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन अगर मोदी जी हमको उपकार कर दे, आरक्षण दे दे, तो फिर लड़ाई उड़ाई की बात नहीं, हम तो उनको जो बोलेगा वो हम करने के लिए तैयार है। अगर वो आरक्षण नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे उन्हीं को नुकसान देने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो सुना आपने, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। मतलब कुल मिलाकर के देखें तो सहनी ने बीजेपी की नैया डुबाने का संकल्प ले लिया है। सहनी ने साफ साफ शब्दों में बीजेपी को संदेश दे दिया है कि अगर आरक्षण नहीं मिला तो निश्चिंत ही बीजेपी को नुकसान पहुंचाने सहनी मैदान में उतरेंगे। अब सहनी के इस ऐलान के बाद देखना होगा कि बीजेपी सहनी की इस चुनौती को कैसे लेती है और क्या जवाब देती है। कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुन की रिपोर्ट, बिहार तक।